अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक फेसबुक की पोस्ट को मुख्तलिफ ग्रुप्स में, मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स में या सारे ग्रुप्स में एक साथ जो है शेयर करना चाह रहे हो ग्रुप्स में, तो कैसे कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है कि हमें पोस्ट को एक एक करके ग्रुप्स में जो है वो शेयर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ जिसके जरिए आप सभी ग्रुप्स में एक साथ जो है अपनी पोस्ट को शेयर कर सकते हो, या फिर चूज कर सकते हो उनमें से कुछ ग्रुप्स को जिनमें आप पोस्ट करना चाहते हो अपनी पोस्ट को एक साथ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल आसिफ टेक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाली कोई वीडियो ऐसी हो जो आपके लिए फायदेमंद हो और वो आपको मिल जाए। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो पे। तो यहाँ पे मैंने फेसबुक को ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक पोस्ट है जो कि मैं शेयर करना चाह रहा हूँ मुख्तलिफ ग्रुप्स में। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, शेयर और शेयर टू आ ग्रुप्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दो ग्रुप्स को ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे दोनों ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ पे शो हो गए। तो यहाँ पे अगर मैं पोस्ट जो है इन ग्रुप्स में शेयर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ और यहाँ से सिंपल जो है मैं शेयर करूंगा, तो इस ग्रुप में जो है वो पोस्ट शेयर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर काफी ज्यादा ग्रुप्स होते हैं तो सारे के सारे ग्रुप्स जो है वो मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं, और जिन ग्रुप्स में मैं अपनी पोस्ट को शेयर करना चाह रहा हूँ, मैं सिंपल उसमें उस पोस्ट को शेयर कर सकता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल ग्रुप्स की भी ऑप्शन अवेलेबल है, और यहाँ पे अगर आपके पास बहुत ज्यादा ग्रुप्स हैं, मतलब 100 हैं आपके पास ग्रुप्स, तो यहाँ पे आप एक किसी एक ग्रुप को फाइंड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ग्रुप को फाइंड भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप दूसरे ग्रुप में शेयर करना चाहते हो या फिर काफी ज्यादा ग्रुप्स में भी शेयर करना चाह रहे हो, तो आप इसी मेथड के जरिए कर सकते हो। जैसा कि मैं दूसरे ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ यहाँ से, तो ये देखें ये दूसरे ग्रुप में भी शेयर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप जितने मर्जी ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये आपको ऑप्शन कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जो ब्राउजर यूज कर रहा हूँ वो ओपेरा है। ठीक है, तो ओपेरा अगर आप क्रोम यूज करते हो या यूसी ब्राउजर यूज करते हो, तो आपने ओपेरा को यूज करना स्टार्ट करना है और उस पे जो है अपनी फेसबुक को यूज करना है। ठीक है, या फिर जो क्रोम ब्राउजर पे यूज कर रहे हैं तो उनको ये ऑप्शन नहीं मिल रही है, लेकिन अगर आप ओपेरा पे आते हैं तो आपको ये ऑप्शन जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि मुझे यहाँ पे मिल रही है। अगर मैं क्रोम पे जाता हूँ तो मुझे क्रोम पे इस तरह की कोई ऑप्शन नहीं मिलती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ये वाली ऑप्शन मिल जाए कि आप एक पोस्ट को जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर कर सके, तो आपको सिंपल ओपेरा ब्राउजर को डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है, तो फिर आप भी इसी तरह से जितने ग्रुप्स में चाहें अपनी पोस्ट को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको बहुत ज्यादा यूज करोगे तो आपकी फेसबुक आईडी जो है वो टेम्परेरी तौर पे ब्लॉक्ड हो सकती है। तो आपने इसलिए इस चीज का एहतियात करना है और इसको बहुत कम यूज करने की कोशिश करनी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।